भाभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है भाभी। ये सारी सजावट, ये शादी, अभी मुझे नहीं लगता आप हर्ष भाई की शादी देख पाओगे। आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप शादी से पहले यहाँ से चले जाओ। शिखर इतना सब कुछ देख लिया है तो हर्ष के लिए और तुम लोग के लिए ये भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है, चली जाएंगे। जानकी पंडित जी को कुछ और चाहिए या ये कुमकुम कैसे गिरा है? इसको साफ करो, कहीं किसी का पैर ना फिसल जाए। कोई कोई कपड़ा लेकर आओ। जाओ भाभी आप ये दीजिए। पंडित जी ये लीजिए। लाओ हाँ देखो पंडित जी को किसी चीज की जरूरत है क्या? भाभी वही पेपर है जिसके बारे में आपको बताया था। याद है आपको? भाभी ये वही पेपर है। हम नहीं पता यहाँ कैसे आए। ये पेपर कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो भैया वो क्या वो? अरे राजेश भैया मैंने दिए थे। मैंने दिए थे। बताइए कितना इम्पोर्टेंट पेपर है तो इसलिए आप फ्लोर साफ करवा रहा है? अरे तो करवाऊंगा ही ना, मुझे क्या पता इम्पोर्टेंट पेपर है वहाँ रखा हुआ था। अगर इतना तो अपने पास रखो ना यार, मुझे कैसे पता चलेगा? तो पढ़ लेता ना एक बार। भैया पर अब तो पेपर गंदा हो गया तो हम इससे फर्श साफ कर देते हैं। अब वरना किसी का पैर फिसल जाएगा। अच्छा क्या पेपर है तुम्हें पता नहीं है ना? पता है हमें कैसे पता चलेगा क्या है? वो तो नहीं पता। संभाल के रखा करो ना, इतना इम्पोर्टेंट। पंडित जी के पास जा तू। हर्ष बेटा आओ। तैयार हो रहे थे आप? हाँ बेटा। क्या बात है हर्ष, तुम ठीक तो हो ना? बैठो। क्या बात है बोलो बोलो हर्ष, हमको नहीं बताओगे? मैंने जानकी जी को कह दिया कि वो यहाँ से चली जाए। धर्मंग ने उनको नौकरी दिलवा दी और वो आज यहाँ से चले जाएंगे। ठीक किया ना मैंने? मम्मी बहुत अच्छा किया तूने। हमारे मतलब है उसको नौकरी दिलवा के बहुत अच्छा किया। अब वो अपने परिवार के साथ वहां सुकून से रह सकती है। हर्ष वैसे वो मेरे को आंख में कुछ चला गया था। मैं आता हूं। ये शादी के लिए मान तो गया ना, क्योंकि माँ अगर नहीं माना ना तो आप मैं इसे जबरदस्ती मंडप पे बिठा दूंगा। उसको कोई जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से मान चुका है। और तो और उसने जानकी के दरभंगा जाने का पूरा इंतजाम भी कर दिया है। फाइनली बेचारे को पता ही नहीं राजेश कि वो अपनी ही शादी के दिन अपनी ही बीवी को अपने ही घर से बाहर निकाल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि सच में कुछ अच्छा होने वाला है। ये देखिए क्या ये प्रॉपर्टी के पेपर्स? क्या पूछो कहाँ मिले मुझे? कहाँ? ये बेवकूफ जानकी और वंदना इससे फ्लोर साफ कर रहे थे। पागल औरतें, उनको तो इन पेपर्स की कीमत ही नहीं पता है राजेश। और वही देखिए इस पे निशान देख रही हो? ज़ेरॉक्स का निशान है। क्या तुम्हारा मतलब इन पेपर्स की कॉपी की गई है? जी। कौन कर सकता है ये राजेश? पक्का तो नहीं है पर मुझे लगता है काम कहीं
आप राम का तो नहीं? नहीं 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 नहीं, अगर ये काम राम का होता ना तो अब तक हम जेल में चक्की पीस रहे होते। ये भी ठीक है। और अगर ये काम राम का नहीं है तो ये काम किसका है ये पता लगाना बहुत जरूरी है राजेश। आप जैसे लोगों को अपनी हर जरूरत के लिए पैसे के बारे में सोचना पड़ता है ना। पैसा बड़ी चीज है जानकी जी। कैसे चाहिए आपको आपके पास कैश चेक? आपने हमें किडनी दी उसकी भी तो कोई वजह ही होगी ना। आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। चले जाइए यहाँ से। मुझे बड़ा नहीं होना गुड़िया, मगर बड़े होके अपने से दूर हो जाते हैं ना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुमसे दूर हो जाऊंगा तो फिर मुझे कौन संभालेगा गुड़िया? समझ में नहीं आ रहा कैसे अपने पति को बताएं, कैसे उन्हें बचाएं, कैसे समझाएं कि उनकी जान को खतरा है, क्या करें? सब खत्म हो गया। वो हमसे नफरत करते, हमारी कोई बात नहीं सुने, क्या करें भगवान? पति दादी आप कुछ करिए दादी, क्या करें बेटा? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने इस घर के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इस घर ने तुझे दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। तेरी सारी मेहनत बेकार हो गई बेटा। हमें माफ कर दे। नहीं नहीं नहीं, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का कि आशी ने हमें इस घर से जाने के लिए बोल दिया। उनकी लाइफ में हमारी जगह और हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय देखने के। और अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा दादी, आप बताइए हम क्या करें? और हमारी क्या गलती है दादी? यही कि हम सब कुछ आशी के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम कैसे उन्हें हासिल करें दादी? हम थक गए अभी। चल हमारे साथ चल। अब राम जी ही तुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। ये ले रामचरितमानस, इसमें तुझे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसे हमेशा अपने साथ रखना बेटा। तेरा प्यार, तेरी पवित्रता सब सीता मैया के समान, सब ठीक हो जाएगा। हम उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा है बेटा। थैंक यू दादी। Yeah.
वंदना भाभी ने बिल्कुल सही कहा है, इस बार जरूर कोई चमत्कार होगा, क्योंकि आपने हमें यह एहसास दिला दिया है कि इस कलयुग में हमें कैकई से अपने राम जी की रक्षा करनी और वनवास भी नहीं जाना। हे सीता माँ, हमें शक्ति दीजिए कि ये धर्म युद्ध हम मम्मी जी को ना जीतने दें। सदियों से बुराई पर अच्छाई की जीत होती आ रही, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मम्मी जी को उनके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सब हम आप पर छोड़ते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए सीता माँ कि इस धर्म युद्ध में जीत इस जानकी की हो। श्वेता की शादी की आखिरी अड़चन हट गई, हमेशा के लिए हट गई। अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी। जानकी तो अभी तक गई नहीं। हमारा मतलब है, अगर राम ने देख लिया ना तो बहुत आफत हो जाएगी जानकी, और हम ना बार बार तेरा अपमान होते हुए नहीं देख सकते बेटा। मम्मी जी हम चले जाएंगे, ऐसे भी हमारे मालिक ने हमें इतनी मोटी पगार दी है, तो उससे ये सब कुछ खरीदना था हमें दरभंगा जाने की पहले, तो इसीलिए। ये तो क्या कह रही है जानकी, ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे हमारे सामने नौकर बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। कमाल है मम्मी जी, नाटक तो आप कर रही हैं हमारे सामने। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, पर एक इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए, और हमें अच्छे से पता है कि इस घर में हमारी कहाँ जगह है, क्या जगह है। लेकिन बेटा ये तो क्या कह रही है, पगार, ये किसने पगार दिया तुझे? हर्ष ने मम्मी जी, हमने उन्हें किडनी दी, उन्होंने हमें इस घर में रहने की जगह दी, इस घर में काम दिया, तो पगार भी तो वही देंगे। तो बस हमने सोचा पगार से घर के लिए परिवार के लिए कुछ ले लेते हैं, तो इसे कुछ खरीद लिया। अच्छी बात है, लेकिन अब ना तू जल्दी से यहाँ से चली जा। आई होप आपने सारे पेपर्स तैयार करवा लिए होंगे। हर्ष की शादी है और हम नहीं चाहते उसका जो भी हक है उस पर कोई अपना अधिकार जताए। रखते हैं। क्या बात कर रहे थे हर्ष के बारे में? कुछ नहीं सविता, एक बात पूछी। पूछो ना, बैठो। आप खुश तो है ना इस शादी से? ऑफ कोर्स हम खुश हैं। फाइनली हर्ष अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, ऑब्वियसली हम खुश रहेंगे। एक बात कहें, हर्ष की जिंदगी को लेकर ही है। अरे बोलो। देखिए लीगल वीगल जो है ना वो आप बाद में भी करते रहिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जानकी को यहाँ से रवाना कर दीजिए। हालांकि उसने कहा है कि वो जा रही है, लेकिन हमको ना उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो चली गई और वो वापस चली आती है, और फिर एक और नई मुसीबत खड़ी कर देती है हम लोगों के लिए। हम भी कितनी बेसब्री से उसके जाने का इंतजार कर रहे हैं। सविता तुम जानती हो ना, माँ की वजह से चुप बैठे हैं। हाँ हम भी तो अम्मा जी की वजह से ही तो चुप है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। जानकी को यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन वो बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। नहीं नहीं हम मानते हैं उसके लिए आसान नहीं है ये सब करना, शादी हुई थी उसके हर्ष के साथ, लेकिन हम सब हर्ष का भला चाहते हैं कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे।
है ना, और उसके लिए जानकी को यहां से जाने के लिए कहना ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो सविता, अब हम हर्ष की जिंदगी में जानकी नाम का साया कभी पड़ने ही नहीं देंगे। लड़की जी, पापा जी, ए बंद करो ये पापा जी का ड्रामा। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे बेटे हर्ष की शादी हो रही है और हम नहीं जानते ये बात तुम्हें कितनी बार समझा है। अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाले ना, तो खुद से प्यार से यहाँ से चली जाओ। जी जानकी, सॉरी लेकिन मारी क्यों कह रही है, वैसे भी हमने जाना तो है ही ना, और अब तो हमें पगार भी मिल गई है, कोई वजह नहीं यहाँ रुकने की। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही चले जाएंगे। चाय ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। चाहते हुए भी आपसे पता नहीं कितना कुछ कहना पड़ा जानकी जी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। श्वेता से शादी कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरा इंतजार किया। आप ही बताइए मैं उसको कैसे धोखा दे सकता हूँ। हर्ष बेटा, बहुत प्यारे लग रहे हो हर्ष, नजर ना लगे किसी की। पता है आज हम बहुत खुश हैं, आज तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अम्मा जी, राजेश हमेशा कहता रहता है कि हम हर्ष से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो भाई करते हैं, लाडला है हमारा। हर्ष बेटा, शादी के बाद ना इंसान की जिंदगी बदल जाती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जैसे आज तक तुमने हर रिश्ता अपनी जिंदगी में बखूबी निभाया है, बिल्कुल उसी तरह तुम श्वेता को भी खुश रखोगे, उसका ख्याल रखोगे, है ना अम्मा जी? हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारा हर्ष तो हीरा है, हीरा। अच्छा, जब हर्ष ने शादी के लिए मना किया था ना अम्मा जी, हमें बड़ी चिंता हुई थी कि अब क्या होगा, लेकिन अब हमें पूरा भरोसा है कि हर्ष की शादी में और उसकी खुशियों में अब कोई नहीं आएगा। अब बहू, हमें एक रस्म करनी है अभी। जी कितनी भी नजर उतार लीजिए अम्मा जी, हर्ष का बुरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। हमेशा खुश रहे मेरा बच्चा। जीवन के हर सुख दुख में तेरी पत्नी तेरा साथ दे। बड़ी माली, बड़े मालिक ने आपको नीचे बुलाया है, मुहूर्त का टाइम हो गया है। हर्षी, छोटे मालिक आपको भी नीचे बुलाया है पंडित जी ने। ठीक है जानकी, चलिए अम्मा जी। हर्ष बेटा आओ, चलिए। जानकी बेटा, ये थाल जरा लेके आना। जी Thank you.
थैंक यू। इट्स ऑलराइट। हर बार हमें बचाने के लिए और हमारी कीमत बताने के लिए। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।